हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज बात करूंगी देवउठनी एकादशी 2024 में कब है, क्या है इसकी तिथि, मुहूर्त और कथा। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली दूसरी एकादशी को देवउठनी एकादशी कहते हैं। इस बार ये एकादशी 12 नवंबर को पड़ रही है। ऐसा मानते हैं कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सोते हैं और आज के दिन से ही भगवान जी अपना मतलब जागते हैं और इसी दिन से फिर जो मांगलिक कार्यक्रम है वो शुरू हो जाते हैं। शादी ब्याह मुंडन वगैरह ये सारे मांगलिक कार्य हैं वो आज ही के दिन से शुरू हो जाते हैं। इस बार कार्तिक माह की एकादशी 11 नवंबर को शाम 6:46 से लगकर 12 नवंबर को 4:04 तक है। तो ऐसे में 12 नवंबर को उदय तिथि होने के कारण हम लोग 12 नवंबर को एकादशी की पूजा करेंगे और इसका पारण करेंगे 13 नवंबर को। देवउठनी एकादशी के दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर आदि करके उसके बाद गन्ने का मंडप बनाएं, बीच में चौक बनाएं चावल से और चौक के मध्य में भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रखें। उसके साथ ही चौक से भगवान के चरण जो पैर होते हैं उसके निशान भी बनाए जाते हैं वो बनाएं और उनको ढककर रख दें। भगवान को गन्ना सिंगाड़ा पीले फल फूल मिठाई आदि का भोग लगाएं और उसके बाद घी का दीपक जलाकर उनकी आरती करें और कथा सुनें। देवउठनी के दिन कुछ नियम होते हैं, उनको हमें ध्यान में रखना है। एक तो उस दिन चावल और नमक जो व्रत रहते हैं वो चावल और नमक ना खाएं और चावल तो कोई भी ना खाए एकादशी वाले दिन। और साथ में भगवान विष्णु जी की पूजा आ रहा है। देवउठनी कथा तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक कोई भी अन्न नहीं ग्रहण करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची, सुंदरी वेश बनाकर सड़क किनारे बैठ गए। राजा की भेंट जब उस सुंदरी सी हुई तो उन्होंने उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम रानी बनकर मेरे साथ महल चलो। सुंदरी स्त्री ने राजा के सामने ये शर्त रखी कि मैं आपकी रानी तभी बनूंगी जब मुझे पूरे राज्य का अधिकार दोगे। तो राजा ने उसकी शर्त को मान लिया और अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजार में बाकी दोनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहार बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी का व्रत है, मैं तो सिर्फ फलाहार करता हूँ। रानी ने शर्त याद दिलाई और कह दिया कि अगर तामसिक भोजन नहीं खाया तो मैं बड़े राजकुमार का सर धड़ से अलग कर दूंगी। राजा अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी महारानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काट देने को मंजूर हो गई। राजा हताश थे, सुंदरी की बात न मानने पर राजकुमार का सर देने को तैयार हो गए। सुंदरी के रूप में श्रीहर राजा के धर्म के प्रति समर्पण को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने राजा को कहा कि तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो, कहो क्या वरदान चाहिए। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु धन्यवाद कहा और कहा कि मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना श्रीहर ने स्वीकार की और वह मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को चले गए। तो इसी तरह से जो देवउठनी एकादशी है उसको मनाया जाता है और जिससे भगवान हरि प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में सुख समृद्धि देते हैं, हमारे संतान की रक्षा करते हैं, हमारे परिवार पर अपनी कृपाएँ बनाए रखते हैं। देवउठनी पर अगर आप लोगों ने ये कुछ उपाय कर लिए तो आपके धन की प्राप्ति होगी, विवाह योग बनेंगे और आपके करियर में तरक्की होगी। तो देवउठनी एकादशी पर तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन तुलसी के पौधे में गन्ने का रस मिलाकर चढ़ाएं, उसके बाद उसके समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं, साथ ही परिवार के सभी सदस्य के साथ आरती करें। मान्यता है ऐसा करने से व्यक्ति को कभी धनहानि नहीं होती है और साथ में जीवन में अचानक ही कहीं से धन की मिलने की आशा होती है। यदि किसी की कुंडली में विवाह देरी का योग है या फिर विवाह से जुड़ी किसी भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो वो देवउठनी की एकादशी के दिन श्रीहर विष्णु की विधिवत पूजा करें। उसे केसर हल्दी वाली गोपी चंदन का तिलक लगाए तो उनकी ये समस्या दूर हो जाएगी। यदि आपके कैरियर में लगातार बाधा आ रही है तो देवउठनी एकादशी के पावन दिन पर भगवान विष्णु को केसर वाले दूध से अभिषेक करें और उनके वैदिक मंत्रों का जाप करें। इस उपाय को करने से कार्य क्षेत्र में आ रही सभी मुश्किलों का अंत होगा और साथ में करियर में मनमानी सफलता मिलेगी।
बोले जय श्री राधे। तो फ्रेंड्स, आप सबको कैसी लगी ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, चैनल के लिए न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करना। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।